गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बुक बैंक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मथुरा में अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में रोटरी क्लब ऑफ मथुरा जैस्मीन के द्वारा बुक बैंक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चीफ गेस्ट रहे अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार वाजपेयी, केआर डिग्री कॉलेज के प्राचार्य लकी गुप्ता। उन्होंने रोटरी क्लब के सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस प्रयास को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए ऐसा प्रोत्साहन समय समय पर योगदान देते रहेंगे। साथ ही चीनी मिट्टी से बनाए जाने वाले बर्तनों की खूबी बताते हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में प्रयोग में लाएं, जिससे वातावरण हरा भरा हो, नष्ट न हो, सभी ने को मिट्टी से बने हुए बर्तनों को उपहार स्वरूप भेंट करें। इसी श्रृंखला में वाटर फ्रेम थिएटर पर शहीद मंगल पांडे के जीवन पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया। इस संस्था के संस्थापक और नाटक के निर्देशक मनोज राठौर ने कहा कि हमारा एक सपना है कि मथुरा में आम आदमी जैसे बड़े शहरों में नाटक देखने जाता है, वैसे ही नाटक देखने आए। उन्होंने रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारी रितु जिंदल, सेक्रेटरी पूजा अग्रवाल, सभी रोटरी क्लब के मेंबर का धन्यवाद दिया। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। जी बताएं, आज जो बुक बैंकिंग की लॉन्चिंग की गई है, क्या है ये बुक बैंक और कहाँ पर लॉन्च की गई है? ये बुक बैंक लॉन्च का जो हमने प्रोग्राम रखा है, ये बेसिकली नीडी बच्चों के लिए है जो पढ़ना तो चाहते हैं, जिनमें कैपेबिलिटी है बट उनके पास फाइनेंस का प्रॉब्लम है, बुक्स नहीं है उनके पास। तो अब यह है कि हम लोग और कुछ नहीं तो बुक्स प्रोवाइड करा ही सकते हैं बच्चों को। तो एक बार हम लोग एक स्कूल का प्रोग्राम कर रहे थे 15 अगस्त पर, स्ट्रीट स्कूल के बच्चों का, तो वहाँ हमने कई बच्चे देखे, उन्होंने अपना परफॉर्म किया, तो बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। बट समस्या ये थी कि वो एक लिमिटेड अपनी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल तक की तो एजुकेशन ले पा रहे थे, बट आगे नहीं जा पा रहे थे। रीज़न पूछा तो पता चला कि बुक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है, फीस तो माफ़ हो जाती है स्कूल्स की, कई बार यूनिफॉर्म का भी हो जाता है बट बुक्स का रह जाता है। तो वहीं से ये आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसी कोशिश करें कि बच्चों को बुक्स मिल पाए। तो उसी के लिए, उसी सोच के साथ हमने ये बुक बैंक लॉन्च किया है। बच्चों को पुस्तकें वितरित की गई हैं आज? आज तो करीब 20 बच्चों को हमने बुक्स दी हैं, लेकिन आगे ये 50 बच्चों की हमारे पास और भी लिस्ट है जिनको हम आगे प्रोवाइड कराएंगे। और बाकी और ये बुक बैंक हमारा साल दर साल चलता रहेगा, हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। हमारे नेक्स्ट ईयर जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनेंगे वो भी इसको इससे अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इसमें बुक बैंक का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि वो बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है किताबें खरीदने के लिए, वो किताबें खरीदते रहें, उनको हम लोग निःशुल्क किताबें देते रहें। इसमें हम 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की किताबें प्रोवाइड करवा रहे हैं, CBSE, UP बोर्ड, ICSE के कॉमर्स, आर्ट्स और आपके सब प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ये हमारा निरंतरता से चलता रहेगा। बच्चों का पंजीकरण किस योजना के तहत किया जा रहा है, कैसे करेंगे आप लोग, किनको आवश्यकता है किनको नहीं है? हम बच्चों के पास जिनके पास उनके आधार कार्ड हैं, जो अपने स्कूल का अपना एड्रेस देंगे हमको, उनके बूते पर हम उस बेसिस पर उनको अलॉट करेंगे किताबें। स्कूल से रिक्वेस्ट की है हमने, जो स्कूल से बताएंगे हमें, काफ़ी स्कूलों से हम लोग जुड़े हुए हैं, जो कि हमें आगे ये बताएंगे कि किस बच्चे को ऑथेंटिकली ज़रूरत है, उसको हम फिर ये किताबें देंगे। लिस्टिंग हमारी चलती रहेगी, लिस्ट के आधार पर उन्हें किताबें मिलती रहेंगी। ये पूरे सोशल मीडिया पे बच्चों को जरूरत है आज से बुक लेने की, और बच्चों के लिए कॉन्टैक्ट नंबर कोई या कोई सुविधा? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिए हैं हमारे प्रेसिडेंट रितु जिंदल का, और सेक्रेटरी पूजा अग्रवाल, और एक डॉक्टर प्रीति गोयल जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, उन तीनों के नंबर बच्चों के पास आएंगे, जिससे कि वो आगे चल के उनको किताबें निरंतर मिलती रहें। कौन कौन सी जगह के बच्चे ले सकते हैं? हमारे पास अभी तो मथुरा के ही बच्चे हैं, मथुरा ज़िले के बच्चे, लेकिन आगे हमारी कोशिश यही है कि हम इसको बढ़ाते चले जाएं, और जहां तक भी हम अपने हाथ मथुरा के गोवर्धन में निकाय